हेलो एवरीवन, मैं स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल हेमा मेहरा पे, जहाँ पे कि आज हम जानेंगे बच्चेदानी में सूजन का क्या कारण हो सकता है, बल्कि यूट्रस का क्या कारण है, कैसे हम इसके लक्षणों को पहचाने, क्या क्या इसमें लक्षण दिखाई देते हैं जो कि हम सही समय रहते ही इसको पहचाने और इसका ट्रीटमेंट कर सकें, और इससे बचने के क्या उपाय हैं, और ये किन कारणों से होता है, सारा इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो बहुत हेल्पफुल है, लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, आपकी बहुत ज़्यादा इससे हेल्प होगी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि केवल सूजन का एक ये भी कारण होता है कि आपने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, भले ही वो 9 महीने तक रुकी हो या फिर बीच में ही किसी का ली या फिर बीच में ही मिस्टेरिस हो गई किसी कारणवश, या फिर आपने अबॉर्शन करवा लिया। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर आपके पेट में बच्चा आया तो वहाँ पे से आपके बॉडी में चेंजेस होने लग जाते हैं, बॉडी ऑर्गन में चेंजेस होने लग जाते हैं, आपके थाइयाँ, आपके हिप्स, आपके ब्रेस्ट साइज, आपके अपडोमिन का साइज, सब कुछ बढ़ने लग जाता है। तो यही यूट्रस के ऊपर भी होता है, आपकी बच्चेदानी के ऊपर भी होता है, भले ही बच्चा मिसकैरेज हो गया हो, डिलीवरी भी हो गई हो, पर जो यूट्रस का साइज है वो पहले की तरह होना, पहले के साइज की तरह होना, नॉन प्रेग्नेंट स्टेज की तरह होना वो नहीं हो पाता पहचाता है। तो बहुत सी लेडीज़ हैं, अगर उनसे डॉक्टर अल्ट्रासाउंड के लिए कहते हैं तो उसमें बल्कि यूट्रस आ जाता है, यूट्रस में सूजन बताते हैं, बच्चेदानी में सूजन बताते हैं, तो बहुत टेंशन में आ जाती है कि इसका क्या इलाज होगा, ये क्यों हो गया मुझे, या फिर इसका क्या कारण है, बहुत टेंशन में आ जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगी, इसमें आपको टेंशन नहीं लेना है, टेंशन तब लेना है जब इसके साथ आपको डॉक्टर इन्फेक्शन भी बताता है कि आपका इन्फेक्शन भी है और आपका कोई फाइब्रॉइड है, गांठ वगैरह है, इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम आपके अंदर यूट्रस में है, या फिर उसकी जो अंदर की लेयर है उसमें चेंजेस आ रहे हैं। सबसे पहले तो आप जान लीजिए इसके लक्षण, क्या क्या आपको लक्षण दिखेंगे अगर आपको इन्फेक्शन हो जाए, कैसे इसको पहचानना है, और आपको समय रहते आपके डॉक्टर के पास जाना है और इसका ट्रीटमेंट लेना है। तो इसमें आपको लक्षण देखेंगे, आपके नीचे से वजाइना से येलो डिस्चार्ज होगा, अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो ये डिस्चार्ज जो है काफ़ी स्मेल वाला और येलोइश इसका कलर होगा। कभी कभी इसके साथ डिस्चार्ज के साथ ब्लीडिंग भी हो सकती है, इन्फेक्शन अगर ज़्यादा बढ़ जाए तो। और इसके अलावा जब आप इंटरकोर्स करते हैं अपने हस्बैंड के साथ, सेक्स करते हैं, तब भी उसके बाद आपको ब्लीडिंग हो सकती है इन्फेक्शन के कारण। है, और इसके अलावा आपको बुखार हो सकता है क्योंकि आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन है, कोई भी इन्फेक्शन अगर बॉडी में हो जाता है तो शरीर का तापमान जो है बढ़ जाता है, तो इसमें आपको फीवर हो सकता है और पेट के निचले हिस्से में आपको काफ़ी पेन होगा। और इसके अलावा आपकी पीरियड्स जो हैं वो इरेगुलर हो जाएंगी, कभी समय पे आएंगी, कभी आगे पीछे वो हो जाएंगी। सो ये सारे लक्षण इसमें दिखते हैं। तो आप जान लेते हैं कि ये किस कारण होता है, क्या इसके कारण हैं जिससे कि हमारी जो है बच्चेदानी में इन्फेक्शन हो जाता है। रेगुलर पिल ले रहे हैं, जो गर्भ निरोधक गोलियां होती हैं वो ले रहे हैं, रेगुलर एक टैबलेट ले रहे हैं, हर दिन एक एक टैबलेट ले रहे हैं, तो उससे ये संभावना होती है। दूसरी, अगर आपने कॉपर टी लगाई हुई है, कॉपर टी क्योंकि यूट्रस में लगती है तो उस कारण भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है, क्योंकि उस पर पेट पूरा खुलता है तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा चांस होता है कि बैक्टीरिया अंदर घुस जाए और वहाँ पे डेवलप हो जाए। नॉर्मल डिलीवरी के अकॉर्डिंग सिजेरियन डिलीवरी में ज़्यादा चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के आपके यूट्रस में। अगर आपके पीरियड्स में आप हाइजीन मेंटेन नहीं रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, तो तब भी आपका इन्फेक्शन जो है, जो आपकी वजाइना में होगा, वो यूट्रस तक पहुँच जाएगा। सो ये सारे कारण थे आपके जो यूट्रस है उसमें इन्फेक्शन होने के, उसकी परत में इन्फेक्शन होने के। सो ये सारे लक्षण आपको दिख रहे हैं तो आप डॉक्टर के पास जाइए, अपना ट्रीटमेंट लीजिए, डॉक्टर आपको ट्रीटमेंट का कोर्स करने के लिए बोलेंगे, वो जरूर कीजिए। इसके अलावा आप हमेशा, मैं बोलती हूँ, अपनी हाइजीन का ध्यान रखिए, विटामिन सी लीजिए, ये एक एंटीबायोटिक का काम करता है, आपके जो भी
गंदगी होती है, आपके अंदर बैक्टीरिया होता है, उसे फ्लैश आउट करता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा लीजिए, हाइजीन का ध्यान रखिए, स्पेशली आपके अंडर आर्म में, आपके वजाइना में, जब आप इंटरकोर्स करते हैं उसके बाद अच्छे से हाइजीन करिए, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं रखिए, और पीरियड्स के टाइम पे। सो ये सारी चीज़ों का, और इसके अलावा खान पान पर आप अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, विटामिन सी ज़्यादा लीजिए, फाइबर लीजिए, जिससे कि जो भी बैक्टीरिया हमारे अंदर है वो फ्लैश आउट हो सके, आपके बॉडी से निकल सके। अगर इन सब बातों का आप ध्यान रखेंगे प्लस हाइजीन मेंटेन रखेंगे तो आपको यूट्रस में, आपके बच्चेदानी में इन्फेक्शन नहीं होगा। तो आई होप कि इस वीडियो से आपकी हेल्प हुई होगी। अभी भी कोई डाउट है आपके मन में, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में है तो नीचे हमें कॉमेंट करें, हम उसका आंसर देंगे। सो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि ऐसे ही हेल्पफुल टॉपिक हम डेली लेके आते हैं। चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन आता रहेगा, साथ में नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको आता रहे। सो शेयर ज़्यादा करें, लाइक वीडियो को करें, एक कॉमेंट ज़रूर करें आपको ये वीडियो समझ में आया या नहीं आया, कैसा लगा आपको ये वीडियो, जिससे कि आपके लाइक और कॉमेंट से हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो अपना लाइक और कॉमेंट हमें ज़रूर करके जाएँ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।